गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ललित दिवंगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ चंद्राष्टमी माता मंदिर। पिछले वाला वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा नाथलदाई माता का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया हुआ था और नाथलदाई मंदिर जस्ट ये बगल में है और इस नदी के उस पार में दूसरे साइड में जो है आपका चंद्राष्टमी माता मंदिर है, जो कि रायगढ़ जिला में स्थित है। इसी जगह को चंद्रपुर में जो है चंद्राष्टमी माता जी का मंदिर है। आप लोगों को दिखाने वाला बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये मंदिर बना हुआ है, जस्ट बगल में जो है आपका महानदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं खूबसूरत सा मंदिर। गाइस तो ये है नाथलदाई का मंदिर है, अंदर में है और ये एंट्री गेट है। देखो पुल पर कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है नज़र आ रहा है और आगे में है आपका चंद्राष्टमी माता जी का मंदिर है। यहाँ पे आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं यार, पुल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। आज पंचमी का दिन है, इसके चलते यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। देखो श्रद्धालु उस साइड से भी आ रहा है और इसी साइड से भी लोग जो है जा रहे हैं। यहाँ पे देखो बोटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप बोटिंग वगैरह भी मस्त कर सकते हैं, ये देखिए। और इस साइड में गाड़ी वगैरह पार्किंग भी है, गाड़ी अगर आप लाते हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। ये देखो ये है आपका नाथलदाई का एरिया है इस साइड के एरिया में, और ये नदी अगर क्रॉस करेंगे पुल से तो उस साइड के एरिया में आपका चंद्राष्टमी माता जी का मंदिर है। तो उसको आप लोगों को दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। बहुत प्यारा सा मंदिर है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ भाई, देखते हैं कैसा है। ये देख सकते हैं अगर बोटिंग का आनंद लेना चाहते तो इस रस्ते आप बोटिंग का आनंद आप ले सकते हैं भाई। इस साइड में ये देखो स्पीड वाला है, ये जो है मोटर से चलता है वो वाला है और ये नॉर्मल है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए भाई पूरा जो है दंडवत प्रणाम करते करते आगे की ओर जा रहा है यहाँ पर भी, और आगे में है चंद्राष्टमी माता मंदिर का जो है बोर्ड नज़र आ रहा है। ये देखो जय तो ये है सामने में चंद्राष्टमी माता जी का मंदिर है और यहाँ से जो है भीड़ भाड़ जो है स्टार्ट हो जाता है। ये देखो सामने में लगा हुआ है माँ चंद्राष्टमी नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन नगर पंचायत चंद्रपुर। अब इस जगह का नाम है चंद्रपुर और इसी जगह को जो है चंद्राष्टमी माता के नाम से जानते हैं लोग। ये देखो इस तरफ भी बोटिंग वगैरह भी है, करना चाहते तो आप कर सकते हैं। चलो पास चलते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं चंद्राष्टमी माता मंदिर को। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कैसा है। वैसे तो मैं वीडियो में बहुत देखा हूँ लेकिन खुद से आज मैं देखने के लिए यहाँ पर मतलब आया हूँ मैं। ये है कि उस साइड में वो है शायद सामने में, ये एग्ज़िट वाला रास्ता है लग रहा है। आइस तो अभी जो है हम लोग जो है मंदिर के जस्ट पास में पहुँच चुके हैं, अभी मंदिर के जस्ट बाहर में ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दुकान वगैरह लगा हुआ है, ये जस्ट पीछे में है एंट्री गेट है, तो यहाँ से अपन अंदर चलने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ चंद्राष्टमी माता मंदिर को। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्री गोपाल जी महाप्रभु एवं माँ चंद्राष्टमी देवी मंदिर शार व न्यास चंद्रपुर करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं यार दुकान वगैरह लगा हुआ है, ये देखो नारियल वगैरह है, प्रसाद वगैरह के भी आप मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ से आप नारियल खरीदना चाहते हो नारियल खरीद सकते हैं। भीड़ देखे यार, गजब का भीड़ है भाई। ये देखो जो गया हुआ था जो महामाया मंदिर रतनपुर का, वैसे ही यहाँ पर जो है लग रहा है जैसे कि सेट वगैरह लगा के रखा हुआ है वैसे ही है। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिला था, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त भीड़ भाड़ है। दोनों साइड में जो है दुकान वगैरह मिल जाएंगे, लोने वगैरह है बच्चे लोगों के लिए ग्यारह सा देखो। और यहाँ पर चश्मा वगैरह के दुकानें वगैरह लगा हुआ है, आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। ये देखिए शिवलिंग वगैरह मिल जा रहा है, बंधन वगैरह भी मिल जा रहा है, सिंदूर भी मिल जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए भीड़ तो देखिए यार, गजब का भीड़ है। ये देखो बच्चे लोगों के लिए खिलौने हैं, सुंदर सुंदर खिलौने हैं, अगर आप खरीदना चाहते तो आप खरीदारी कर सकते हो। ये देखो कार वगैरह है बच्चे लोगों के लिए प्यारा सा, ये क्या है भाई मस्त लग रहा है यार, ये क्या चीज़ है, ये सजावट की क्या चीज़ है मुझे तो आने। अच्छा बच्चे लोगों के लिए छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए कप वगैरह मिल जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो लड़कियों के लिए मस्त सुंदर सुंदर माला है, नाक कान गले का ये सब चीज़ मिल जा रहा है भाई यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम हुआ है, पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। ये देखो दुकान दुकान में जो है बहुत भीड़ लगा हुआ है, सब खरीदारी के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं भाई, पूरे लाइन से लगा हुआ है दुकान, एक से बढ़कर एक यहाँ पे दुकान देखने को मिल रहा है। बर्तन का है, चश्मा का है, लड़कियों के लिए है, खिलौने हैं बच्चे लोगों के लिए, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो सारे दुकान यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाएगा। ये देखो मंदिर जस्ट सामने में है, आगे में है तो दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो
ये देखो चुनरी वगैरह भी है माता रानी के लिए, देखो नारियल भी है, अगर नारियल खरीदना चाहते हो तो आप नारियल भी खरीदारी कर सकते हो भाई। ये देखो बांसुरी वगैरह भी है प्यारा सा, और जूता चप्पल रखने का स्टैंड यहाँ पे है, निःशुल्क है ये। तो ये है माँ चंद्राशनी देवी जी का मंदिर है, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा भाई, सीढ़ी कितना है मुझे नहीं पता है, तो आइड साइड में देखेंगे तो आपको इस साइड में जो है हमारे भगवान गणेश जी की मूर्ति आप लोगों को नज़र आएगा, और इस साइड में जो है भगवान बजरंगबली जी की मूर्ति आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस साइड में क्या है मुझे तो जानकारी नहीं है, आगे जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो है अपन माता जी का दर्शन करेंगे, फिर आसपास का जो एरिया है उसको आप लोगों को दिखलाएंगे। ऊपर में देख सकते हैं माता रानी की मूर्ति भी है। चलो यहाँ पे अपन चप्पल रखते हैं और माता जी का दर्शन करने जाएंगे, निःशुल्क है यहाँ पे। लो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं, कितना सीढ़ी है आप लोगों को बता दूंगा मैं अंदर जाने के बाद में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है भाई। ये देखो यहाँ से हम लोग आए हुए हैं, देखो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। चलो भाई माता जी का अपन दर्शन करने वाले हैं, सीढ़ी दिखाते हैं कितना सीढ़ी आप लोगों को। ये देखो एक से बढ़कर एक यहाँ पे माता जी की मूर्ति है, यहाँ पे काली माता है, साथ में सरस्वती माता है, ये देखो लक्ष्मी माता है, यहाँ पे ऋषि मुनि है, और यहाँ पे ऊपर बहुत सारे जो है माताओं की मूर्ति है भाई, एक से एक मूर्ति है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता की मूर्ति है, यहाँ पे दुर्गा माता जी की मूर्ति है देखो, और यहाँ पे ये माता है लक्ष्मी माता कौन सा है आप लोग बताइएगा, यहाँ पे भी एक माता है रानी है यहाँ पे भी, और दोनों साइड में ये देखो देखो यहाँ पे ऋषि मुनि है दोनों साइड में, और प्यारा सा जगह है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों को दिखलाते हैं, और ये जगह पर मेरा फर्स्ट टाइम है, ये देखो इस चीज़ को यहाँ पे स्वागत के लिए यहाँ पे है प्यारा सा। चलो इस साइड में भी है, ये देखिए अच्छा खासा भीड़ भाड़ जो है देखने को मिल रहा है चंद्राशनी माता में। देखिए आसपास के लोग तो आते ही हैं, और साथ साथ में दूर दराज के लोग भी कुछ कुछ लोग जो है आ पाते हैं, बाकी जैसे सीजन में तो बहुत दूर दूर के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। ये देखो इस साइड में ये देखिए क्या रास्ता ये बना हुआ है, देख सकते हैं गाइस। अभी फाउंटेन वगैरह तो कुछ भी नहीं चल रहा है, फाउंटेन चलता ना तो और अच्छा लगता है यहाँ पर। और सामने में है हमारे भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है जो कि पेड़ में बैठे हुए हैं। तो इस साइड से अपन आए हुए हैं, देखिए दोनों साइड में शेर भी है, मस्त प्यारा सा लग रहा है भाई। ये देखिए सामने में है काली माता जो कि राक्षस का वध करते हुए दिखा है, और वहाँ पे एक राक्षस है उसका सिर अभी जो कांटे हुए है ना वो माता रानी देख सकते हैं हाथ में पकड़ी हुई है, और इस साइड में है दुर्गा माता रानी आप लोग देख सकते हैं, और इसको तो मैं आप लोगों को दिख रहा था, यहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं पेड़ में बैठे हुए हैं मस्त। ये देखो ये प्यारा सा है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, देखो जयकारा पुकारते हुए यहाँ तक मंदिर में पहुँच रहे हैं। भीड़ देखिए यार गजब का भीड़ है भाई, यहाँ पे भी कुछ कुछ मूर्ति बने हुए हैं। अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं भगवान ब्रह्मा जी है, साथ में भगवान विष्णु जी है, और यहाँ पे है भगवान भोलेनाथ जी, देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई आप लोग देख सकते हैं, और कुछ ऋषि मुनि भी है, और पूरा देवतागण है देखो, यहाँ पर जो है नंदी महाराज भी है, तो देख सकते हैं पूरा मतलब देवतागण यहाँ पे है, बहुत प्यारा लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा इसकी ये जगह जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है। चलो खुल गया है भाई रास्ता, अपन बढ़ने वाले हैं। बोलो चंद्रहासी मैया की जय। Yeah.
पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर में। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कैमरा अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, बाहर में उसे लिखा हुआ था। मैं माता जी के मंदिर से जो है बाहर निकला हूँ और माता जी का दर्शन करने के लिए अच्छे से नहीं दिया, मतलब वीडियो बनाने के नहीं दिया, तो मैं आगे अच्छे से नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत जो है दिखा पाया हूँ। और यहाँ पर जैसे माता जी के दर्शन करके बाहर निकल रहा है, तो मैं आप लोगों को बाहर कैमरे से देखे माता जी का दर्शन करने, ये वाला मंदिर है अंदर में माता जी है। चलो बाहर निकलते हैं, बाहर में आप लोगों को दिखलाते हैं। बड़ा सा हनुमान भी बाहर में था जो आप लोगों को आते थे अच्छे से दिखा नहीं पाया। और ये देखो यहाँ पे है चंद्रघटा, माता जी के नौ रूप को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखो इस मांडा करके माता रानी है, यहाँ पे है स्कंद माता। ये देखो ये स्कंद माता, आप घर बैठे दर्शन करें माता रानी का। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ लोग जो है सिक्का जो है चिपका रहे हैं दीवालों में। ये देखो कात्यायनी माता है, माता के प्रणव रूप को यहाँ पे दिखलाया गया है। और ये है काल रात्रि माता, ये देखो, ये देखिए सामने में है महागौरी माता। अब ये है माता रानी के भीतर गृह में जाने का रास्ता, किस तरह से यहाँ पे भीड़ भाड़ जो है लगा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। चलो भाई बाहर निकलते हैं, देखते हैं इस साइड में क्या है। भाई ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखा है शीश महल करके लिखा हुआ है। भीड़ देखे यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। चलो यहाँ पे भी देखो भीड़ जो है नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखो इस साइड में क्या है, अच्छा दुकान वगैरह लगा हुआ है इस साइड में, जोत वगैरह चल रहा है यहाँ पे। ये देखो जोत वगैरह चल रहा है भाई यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जोत रखे हुए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे जोत वगैरह जलवाना चाहते हो तो आप लोग भी यहाँ पे जलवा सकते हो। बाहर का एरिया देख सकते हैं, इस तरह से जो है बाहर का एरिया दिख रहा है। ये देखो सामने में है शंकर भगवान जी, पास जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दुकान वगैरह लगा भाई इस साइड में भी, ये देख सकते हैं ठीक है, इस साइड में भी देखो दुकान वगैरह लगा हुआ है पूरा लाइन से। इसमें लिखा हुआ है माँ चंद्राष्टमी का चरण। देखो भाई सब लोग आ रहा है यहाँ से। चलो ये देखो चरण है यहाँ पे, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। देखो इसी पुल से हम लोग जो है माता के मंदिर में आए हुए हैं, और उसके दूसरे साइड में अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देख सकते, उस तरफ है माता, एक माता जी का मंदिर है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये आने का रास्ता देख सकते हैं, यही है माँ चंद्राष्टमी का चरण पादुका। तो यहीं पे जो है आपका बलि भी दिया जाता है पीछे साइड के एरिया में है, लेकिन यहाँ पे जो है वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखला रहा हूँ। ये देखो इसी के जस्ट पीछे में दिया जाता है बकरे का बलि। गाइस मैं आप लोगों को जो है भगवान भोलेनाथ जी को जो है दूर से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पास से जो है दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो है मूर्ति की जो हाइट है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए पास से जो है दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो अर्धनारेश्वर यानी एक साइड शंकर भगवान जी और एक साइड जो है माता पार्वती जी का जो है बना हुआ है, तो दूर से दिखाते हैं। इसके ऊपर अपन चढ़ने वाले हैं छत में उसके बाद। तो गाइस ये देख सकते हैं वहाँ पे मैं गया हुआ था, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे अर्धनारेश्वर भगवान शंकर जी का एक साइड, और एक साइड माता पार्वती, और एक साइड में शेर भी है, और एक साइड में जो है नंदी महाराज जी है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर जो है मूर्ति बना हुआ है। अगर हाइट की अगर बात किया जाए तो कम से कम 30-40 फीट के आसपास में होंगे, उससे भी ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं है। तो अभी देखो हम लोग जो है ज्योति क्लस कक्षा में पहुँच चुके हैं, और जो है यहाँ पे दिया वगैरह जल रहा है ना, तो बहुत गरम गरम जो है महसूस हो रहा है भाई। देखो बहुत सारे यहाँ पे जो है जोत वगैरह जलाए हुए हैं। अगर आप लोग जलवाना चाहते हो तो यहाँ पे जो है पहले आपको रसीद कटवाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप जोत वगैरह जलवा सकते हो। बाहर में काउंटर है, तो काउंटर के माध्यम से आप पैसा जमा करके यहाँ पर जोत वगैरह जलवा सकते हो। जय माँ, कितना बड़ा है, इसके पहले वहाँ पर और गया हुआ था ना। देखो कितना सारा जो जला हुआ है माता रानी के नाम से, तो आप भी अगर जलवाना चाहते तो आप जलवा सकते हैं। देखो बहुत गरम गरम महसूस हो रहा है भाई, यहाँ पे दिया जल रहा है ना, इसलिए बहुत सारे हैं, करीब करीब 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा हैं। मैं काउंट करूँ यहाँ पे लिखा हुआ है 8,557, मतलब उससे भी ज़्यादा है। देखो 8,938, मतलब 1,000 से ऊपर ही है, कम नहीं है। ये देखो इस साइड से हम लोग जो आए हुए हैं, मंदिर की जो एरिया है ना काफ़ी बड़ा एरिया में है, तो ये है गुफा जाने का रास्ता भाई, आप लोग देख सकते हैं। इधर अंदर अपन चलेंगे, आगे जो है टिकट काउंटर है तो टिकट लेना पड़ेगा,
फिर वहाँ से अपन लेंगे टिकट, फिर अपन चलेंगे। तो ये टिकट काउंटर है भाई, यहाँ पे 10 रुपया जो है आपका गुफा के लिए देना पड़ेगा। तो ये प्रवेश द्वार है, टिकट का दाम जो है आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे है भाई गुफा। इस तरह से ये बना हुआ है, ये देखो इस तरह से ये बना हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। चलो भाई अपन अंदर चलते हैं। ये देखो यहाँ पे है हमारे भगवान जी, आप भी देख सकते हैं। ये है भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा लग रहा है, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। और यह है यहाँ पे देख सकते हैं वानर, हमारे भगवान हनुमान जी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये देखो ये पूरा गुफा जैसा पूरा बना ही हुआ है, गुफा जैसा बना हुआ है। इसके अंदर में ये देखिए माता रानी है, तो आप भी घर बैठे दर्शन करिए माता रानी का। देखो ये पूरा गुफा है, बनाया गया है मतलब इसको पत्थर को काट के जो है बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे सांप भी बने हुए हैं, ये देख सकते हैं इसके अंदर में। ये देखो सब चावल और जो है डाल के रखे हुए हैं। देखो पूरा गुफा का जो है शेप दिया गया है भाई, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे है देखो, ये कैमरे में भी अच्छा से कैप्चर नहीं हो पा रहा, ये देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे सांप बना दिए गए हैं भाई, ये देखिए इस तरह से ये बना हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखो है ना माता रानी, आप भी घर बैठे दर्शन करिए। और ये देखिए यहाँ पे है शेर, ये देखो शेर है यहाँ पे। ये देखो मस्त प्यारा सा मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं, एक नंबर लग रहा है। घर बैठे देखिए पूरा हमारे वीडियो के माध्यम से। ये देखिए यहाँ पे राम दरबार बना हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। वैष्णो देवी माता रानी है, आप भी घर बैठे दर्शन करें वैष्णो देवी माता रानी की। ये देखो यहाँ पे है भैरवनाथ बाबा, आप भी देखिए। चलो ये मगरमच्छ, ये देखो मगरमच्छ बनेगा भाई यहाँ पे। चलो गुफा से बाहर निकलकर यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देखो ये है ब्रह्मचारिणी माता रानी, आप भी घर बैठे दर्शन करिए माता रानी की। जय माता रानी। ये देखो सामने में है हमारे भगवान भोलेनाथ जी। अभी यहाँ पे जो है फाउंटेन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। सामने में है ऋषि मुनि, आप भी देख सकते हैं बहुत सुंदर बनाया गया यहाँ पे। मतलब मंदिर का जो एरिया है ना बहुत बड़ा एरिया में है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मस्त सुंदर हाथी यहाँ पे बनाया गया, साथ में मगरमच्छ बनाया हुआ है, जो कि मगरमच्छ हाथी के पैर को जो है दबाए हुए हैं अपने दांतों से। और यहाँ पे क्या भगवान बना हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंद्र भगवान की क्या है समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। यहाँ पे देखो समुद्र मंथन को दिखलाया गया है, यहाँ पे हमारे भगवान भोलेनाथ जी जो है विष को पीते हुए यहाँ पे दिखलाए गए हैं। यहाँ पे एक साइड में जो है देवतागण है और एक साइड में जो है राक्षसगण है, और सामने में जो है हमारे भगवान भोलेनाथ जी जो कि समुद्र मंथन को जो है दिखलाया गया है। ये देखो और वहाँ पे है सांप। तो गाइस मैं आया हुआ था चंद्रराजनी माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं आया हूँ और अच्छा लगा हुआ है। अभी नवरात्रि का समय है तो भीड़ भाड़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला हुआ है। तो गाइस आप भी अगर आना चाहते हो तो यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।